छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में यातायात नियमों की अनदेखी करने से वर्ष भर में सड़क दुर्घटना में 45,000 लोग घायल होते हैं तो 12,000 से अधिक मौतें यातायात नियमों का पालन नहीं करने से होती है। जिलेवासियों को शिकायत नियमों के प्रति जागरूक करने पुलिस ने 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। मंगलवार के दिन SP विनायक वर्मा ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो अब जिले भर में भ्रमण कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगा ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। इसके अलावा इस सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत नुक्कड़ नाटक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिले के स्कूल कॉलेजों में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चों को भी यातायात के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं शहर में पहले लोगों को यातायात नियमों से चलने प्रेरित किया जाएगा और फिर कार्रवाई, यदि किसी वाहन चालक के 3 बार नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे जा चुके हैं तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। ट्रैफिक एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ट्रैफिक अवेयरनेस एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ लीगल रिक्वायरमेंट भी है, तो ट्रैफिक के नियमों का पालन हम स्वतः ही करें तो हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर है, अन्यथा पुलिस कार्रवाई करके का पालन कराने के लिए भी तत्पर है, लेकिन पहला फोकस अवेयरनेस पर ही रहेगा। आज कार्रवाई के दौरान हमने हाईवे पर 35 चालान बनाए हैं और रोज़ कहीं ना कहीं हम टारगेट ग्रुप बना बना के करेंगे। लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी, जिन लोगों के 1 से ज़्यादा चालान होते हैं 3 स्ट्राइक्स रूल के अनुसार 3 चालान होने पर निरस्तीकरण हेतु आपका लाइसेंस RTO भेज दिया जाएगा। पब्लिक सुरक्षित रहे, छिंदवाड़ा की सतर्क रहे, यही हमारा उद्देश्य है। सर, एक्सीडेंट के 8 ब्लैक स्पॉट आप लोग जानते हैं अलग अलग क्षेत्र में पाए गए हैं। 3 इनमें थाना कुंडीपुरा में है जो शहर के पास है, अन्य भी थाना क्षेत्रों में हमने अभी हाल में ही 360 डिग्री रिव्यू इनका किया है। DSP साहब स्वयं जाकर ड्रोन के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से और हाईटेक कैमरा के माध्यम से वहाँ का स्टेशन किया गया है। जो भी निष्कर्ष थे हमने हाल में कलेक्टर मैडम द्वारा ली गई सड़क सुरक्षा बैठक में उसका खुलासा भी किया है। उस खुलासे के आधार पर NHAI और अन्य संस्थाओं द्वारा वहाँ मार्किंग और जो अननेसेसरी कैटाई जैसी चीज़ें हैं उनका वहाँ बढ़ोतरी करने का वादा किया है। हमें उम्मीद है अगले महीने की बैठक से पहले ये बदलाव दिख जाएगा और एक्सीडेंट में कमी आएगी। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।